मैं भी फर्स्ट ग्रैंड लीग 3 साल लगातार खेलने के बाद विन किया हूं और उस तरीके को मैं पूरी तरह से फॉलो करने लगा और आज भी उसी तरीके से खेलता हूं। इस तरीके से मैं हर मैच को तो नहीं लेकिन 10 से 20 मैच के बाद एक मैच ऐसा निकल कर आ जाता है जो मेरी ट्रिक काम कर जाती है और मेरा टीम टॉप कर जाता है, जिससे कि मैं अच्छा खासा अमाउंट को विन कर जाता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही तरीके बताने वाला हूं जो तरीके से मैं खेलता हूं और ग्रैंड लीग विन करता हूं। तो वीडियो पे लगातार बने रहना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी एक्सपर्ट में आप लोग का स्वागत है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। टीम जब भी बनाने लगो तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि किस तरह की टीम है, क्योंकि आपको 3 ही तरह के मैच देखने को मिलते हैं। या तो दोनों टीम वीक होंगे, या दोनों टीम स्ट्रांग होंगे, या एक टीम वीक और एक टीम स्ट्रांग होंगे। तो देखो, वीक टीम, दोनों वीक टीम होती है तो वहां पे विकेट ज्यादा गिरते हैं और ऑलराउंडर और बॉलर पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं और 90% तक काम भी करते हैं यही। लेकिन टीम बनाना सबसे हार्ड होता है, दोनों टीम स्ट्रांग होते हैं तो सबसे पहले कि जब दोनों टीम स्ट्रांग हो तो मैं किस तरह से प्लेयर का सिलेक्शन करता हूं। तो जब दोनों टीम स्ट्रांग होती है तो मैं कम से कम 7 प्लेयर का सिलेक्शन करता हूं, वैसे प्लेयर जिसमें कंसिस्टेंसी होती है और लगभग वो परफॉर्म देने में सक्षम होते हैं। कोई भी प्लेयर हर एक मैच में 100% परफॉर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन 80 से 90% कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो परफॉर्म कर देते हैं और ग्रैंड लीग में आ जाते हैं। 7 प्लेयर के सिलेक्शन की मदद से मैं 2019 में पहला ग्रैंड लीग KKR पंजाब के बीच IPL का मैच चल रहा था उसमें विन किया था, जिसमें नीतीश राणा को तो मैं ऑलरेडी 7 प्लेयर में रखा था, लेकिन उथप्पा उस टूर्नामेंट में जितने भी मैच खेले जा चुके थे उसमें पहला मैच खेल रहे थे KKR की तरफ से, तो इसको मैं अपने टीम में रखा क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड मैं ऑलरेडी देख चुका था और किस्मत से इनको कैप्टन भी बनाया। तो पहला ग्रैंड लीग में 2 लाख विन किया था जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, और उससे पहले तो 3 साल जो खेलता रहा तो उसमें कभी भी टॉप 100,000 में भी मेरी टीम नहीं आती थी। इसमें मैं बहुत सारी गलती करता था कि किसी भी प्लेयर पे रिस्क लेना, ड्रॉप करना, और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि आप ग्रैंड लीग की ऐसी टीम बनाओ या तो हारो या जीतो। अगर आप इस तरह का रिस्क लेते हो तो आप कभी भी ग्रैंड लीग को विन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप देखते हो कि जो टीम फर्स्ट रैंक पर आती है उनके में 7 से 8 प्लेयर बड़े प्लेयर आते हैं ग्रैंड लीग में। तो आप बड़ा रिस्क लेते हो, ज़्यादा प्लेयर पर रिस्क लेते हो तो कैसे विन करोगे। आपको छोटा रिस्क लेना है कुछ ही प्लेयर पे जिनका लगता है कि ये फ्लॉप हो जाएंगे, वैसे प्लेयर लो, बाकी 7 प्लेयर पे स्पेशल ध्यान दो और आप आसानी से ग्रैंड लीग को विन कर सकते हो। तो मैं किस तरह से प्लेयर का सिलेक्शन करता हूँ, वीडियो को फुल वॉच करना बिना स्किप किए अगर सीखना हो तो, नहीं तो आप यहीं पे वीडियो स्किप करके जा सकते हो। तो जैसा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ था तो उसमें हमने केशव महाराज, अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार, एडन माकरन, जो कि फर्स्ट वीडियो में 6 ग्रैंड लीग के प्लेयर के बारे में बताया था, और इसको मैं बोला था कि इसको आप ड्रॉप नहीं करना, ये ग्रैंड लीग में आ ही जाएंगे। आप देख सकते हो, इसी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हो। तो ये सीरीज को तो इंडिया विन कर गए, लेकिन इन दोनों के बीच अभी 3 ODI मैच होने वाले हैं, तो ये पॉसिबल दोनों टीम के प्लेइंग 11 हैं जिनको खेलने की संभावना है। इसमें 1-2 प्लेयर चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडन माकरन को अपने टीम में रखेंगे, ये कंसिस्टेंसी प्लेयर हैं और ODI के बेहतरीन प्लेयर हैं। कम से कम ये आपको 25 से 30 पॉइंट ये दे ही देते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कैप्टन के भी चॉइस बनते हैं और अच्छा खासा परफॉर्म भी करते हैं क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉल भी करते हैं। तो इस प्लेयर को हम अपने टीम में रखेंगे और उसी तरह जेब मलान को भी रखेंगे, इसमें भी कंसिस्टेंसी है, और इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे भी रखेंगे क्योंकि ये बड़ा स्कोरिंग भी खड़ा करता है। तो इस तरह से हम 7 प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे
और जो 7 प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो इन दोनों के बीच 3 ODI मैच होने वाला है, तो उस 7 प्लेयर को तीनों ODI में सेम तरह से यूज करेंगे। मान लो कि अगर मेरा पहले मैच में 7ों प्लेयर परफॉर्म कर गए तो मेरा रैंक अच्छा हो जाएगा, और इसके लिए मैं कम से कम 4 टीम बनानी होगी। तो ये जो मेरा 7 प्लेयर होंगे, तो ये 7 प्लेयर को मैं किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं करूँगा। बाकी के 4 प्लेयर होंगे तो 4 प्लेयर को हम रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि हम एडन माकरन और जे मलान को पिक किए, उसी तरह तीसरा प्लेयर के महाराज को रखेंगे। और इंडिया की तरफ से धवन है, धवन को, तो टोटल 4 प्लेयर होंगे। अगला हम मैं एक ईशान किशन को भी कंसिस्टेंसी के तौर पे रख लेता हूँ। बाकी शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर में मैं शार्दुल ठाकुर को रखूँगा, तो 6 प्लेयर मेरे पास आ गए हैं। इंडिया की तरफ से जैसे सिराज है, सिराज लास्ट के T20 मैच में खेले, अच्छा खासा धुनाई हो गया इसका, जबकि सिराज टेस्ट के और ODI के अच्छे बॉलर हैं। और ये मानकर चलते हो कि साउथ अफ्रीका फर्स्ट में बैटिंग कर रहा है, भानु का T20 मैच में ये फ्लॉप गए हैं, वैसे ये ODI में अच्छा मैच खेलते हैं, तो ये मानकर चलते हो कि भानु का शुरू में आउट हो सकते हैं, तो सिराज को आप पिक कर सकते हो और भानु का को ड्रॉप कर सकते हो। तो 7 प्लेयर के बाद जो आप 4 प्लेयर सेलेक्ट करोगे, तो आप इसी तरह से लॉजिक लगा लन, जैसा कि एनरिक नॉर्थ जी है, तो इंडिया से स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीका ODI मैच में है, तो ये मानकर चलते हो इंडिया के कोई भी बड़े प्लेयर धवन को छोड़कर नहीं खेल रहे, तो शुरू में हो सकता है विकेट गिरे ज़्यादा, तो नौरकिया को अपने टीम में रखो और इनके कोई टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को ड्रॉप करो। तो इस तरह से आप लॉजिक लगाकर बाकी के 4 प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 7 प्लेयर को नहीं हिलाना, और इसी लॉजिक से आप खेलना, आप बहुत जल्द ग्रैंड लीग को विन कर जाओगे। दूसरा है कि जब दोनों वीक टीम के बीच मैच होती है, तो वीक टीम के बीच मैच में टीम बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, लोग या तो बॉलर या ऑलराउंडर के फेवर में बनाते हैं टीम, और उस कंडीशन में आप ऑलराउंडर को कैप्टन या बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। जबकि कुछ लोग हैं तो बैट्समैन जो जिनमें लंबाई स्कोरिंग, आप उनका पिछला रिकॉर्ड देखो, जो प्लेयर 50 के एबव रन मारे हैं ज़्यादातर मैच में, तो वैसे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, तभी आप ग्रैंड लीग को विन करोगे। आपको कंसिस्टेंसी रहना है 7 प्लेयर पे, और वैसे प्लेयर को सेलेक्ट करना है उसका स्टैट देख के, पिछले मैच का परफॉर्म देख के सेलेक्ट करना है कि कौन से प्लेयर। आप जब दोनों टीम के प्लेइंग 11 देखोगे तो आपको 7 से 8 प्लेयर ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कंसिस्टेंसी होती है, खासकर रिसेंट में जिस जो प्लेयर में कंसिस्टेंसी होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक टीम के बीच मैच हो, तो कभी भी स्ट्रॉन्ग टीम के अगर वीक टीम पहले बैटिंग करे, तो वीक टीम के बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ। लोग स्ट्रॉन्ग टीम के ही बैट्समैन को कैप्टन बना देते हैं चेस में भी, तो आप ये समझो कि जब वीक टीम पहले बैटिंग करता है तो रन ही कम बनाएंगे, तो वो आपको कैप्टन टॉप जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसका बैट्समैन कैसे कैप्टन निकल कर आएगा, और वही वीक टीम के जो टॉप के बॉलर हैं उनको आप पिक कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनके टॉप के बैट्समैन मार देंगे रन, उनके डेथ ओवर के बॉलर को पिक नहीं करो। तो सारी लॉजिक लगती है टीम बनाने में, थोड़ी मेहनत लगती है, तब जाके ग्रैंड लीग विन होता है। सारा कंडीशन अप्लाई करके मैं टीम बनाता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, या आप सर्च भी कर सकते हो फैंटेसी एक्सपर्ट 2 होगा, चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ ज्वाइन हो जाना, फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू।